नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के एक निजी होटल में, जहां पर भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से तीज महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगर तस्वीरों में आप देखें तो देख सकते हैं किस तरह महिलाओं में उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। महिलाएं जो है वो बहुत ही सुंदर परिधान में आज यहाँ पे पहुंची हुई है। तो चलिए पूरा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं, और साथ ही आज इस कार्यक्रम में तीज क्वीन का जो ताज है वो किसके सर पर सजा है उसको भी आपको दिखाते हैं, बात कराते हैं भारत विकास परिषद के सदस्यों से, और तीज क्वीन जो बनेगी उससे भी बात कराएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? गरिमा सिंह। मैम, जिस तरह से भारत विकास परिषद की ओर से तीज महोत्सव आज यहाँ आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम है, महिलाओं में उत्साह कितना है? महिलाओं में उत्साह तो आप ही खुद देख रहे हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं, वंडर्स के बहुत सारे गेम हैं, रैम वॉक के लिए हमने 30 क्वीन भी चुनी जाएगी इसमें हमारी, और बहुत सारे अनग्रेड हमने गिफ्ट, थोड़े फन गेम्स, मतलब लेडीज इतना एंजॉय कर रही हैं कि मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ आज। और कोशिश करूँगी और आशा भी करूँगी कि आगे भी सभी हमें इसी तरह सपोर्ट करें और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। मैम, जो इतना भव्य कार्यक्रम आज आपने आयोजित किया है, कितने दिन पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी थी? इसकी मैम तैयारी एक महीने से चल रही है और पूरी कोशिश हमारी रही है, जितने भी लोग आए, जितनी भी हमारी भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा के सदस्य हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे आउटसाइडर्स हमने एज ए गेस्ट यहाँ बुलाए हैं, हमारी यही कोशिश रही है कि सब लोग आएँ और बहुत अच्छे से एंजॉय करें। कितनी महिलाएं आज यहाँ पहुँची हैं? अप्रोक्स यहाँ पे 50-60 महिलाएँ हैं इस टाइम, और सभी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? नीलम शर्मा। मैम, जिस तरह से तीज महोत्सव आज भारत विकास परिषद बेहद ही उत्साह के साथ मना रहा है, कब से तैयारियां शुरू हो गई थी और आज महिलाओं का उत्साह देखकर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना उत्साह और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। हमारे सभी साथी वैसे तो बहुत मतलब एनर्जेटिक है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिला संयोजिका थी उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसने काफ़ी इसमें मेहनत करी। हम दोनों ने मिलके थोड़े टाइम से हम भूमिकाएं बना रहे थे कि इसको कैसे हम करें, तो फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप थोड़े चेंज करते हुए हमने लास्ट में इस तरीके से इसको का आयोजन करने का विचार किया। महिलाओं में जिस तरह से उत्साह देखने को मिला है, तो मैं कार्यक्रम की बात करूँ तो क्या क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे हुए? यहाँ पर एक तो टीच क्वीन का चुनाव होगा, जिसमें फर्स्ट और सेकंड रनर अप भी रहेंगे। उसके अलावा छोटे छोटे स्टॉल्स में आपने देखा ही है कुछ गेम्स वगैरह रखे हैं, पंचुअलिटी हमने निकाली थी। इसके साथ ही हमारा जो है अभी एक ग्रुप गेम है जो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए थोड़ा एनर्जेटिक रहेगा, थोड़ा मस्ती भरा, थोड़ा दौड़ भाग, सबकी एनर्जी सामने आएगी, तो इस तरीके के गेम्स वगैरह भी हमने रखे हैं। देखा भी आपने, जैसे अभी मीरा जी ने कुछ कविता भी पढ़ी, और इसके साथ ही इसी तरीके का आयोजन हमने, ये हमारा काठगोदाम शाखा का पहला प्रयास है जो इस तरीके से आज संपन्न। तो तीज क्वीन सुजाता माहेश्वरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, फाइनली तीज क्वीन का ताज आप पर सज चुका है, कैसा लग रहा है पूरा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और ऐसे सब कार्यक्रम होने चाहिए। लेडीज़ घर से निकल के आती हैं, स्ट्रेस लाइफ में कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते तो कुछ क्षणों की चाहे खुशियां हो मिल जाती है, और मैं खुश हूँ। मैं तीज क्वीन बनी तो नेचुरली खुशी हो रही है। सोचा नहीं था कि मेरे को मिलेगा, क्योंकि जीवन में पहली बार कोई तीज क्वीन की प्राइज मुझे मिली है, तो खुशी हो रही है। जिस तरह का आपका सवाल भी बहुत अच्छा था कि युवा है वो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या मैसेज देंगे? हाँ, मेरा सवाल यही था कि नशे की तरफ जा रहे हैं युवा, तो वही है जवाब मेरा, वही है कि बचपन से बच्चों पे ध्यान रखा जाए, उनकी जो हॉबी है उसको डेवलप किया जाए, और उसी के हिसाब से खेल कूद, डांस, स्विमिंग, उसके अलावा पेंटिंग, किसी भी चीज़ में जो बच्चा अच्छा है उसे करने के लिए दिया जाए, और उसके अलावा उसके कौन कौन दोस्त हैं इस पे पूरा ध्यान रखा जाए, जिससे कि बच्चे गलत राह पे ना जाएं। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? रश्मि जैन। मैम, जिस तरह से भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से आज तीज महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है, हमने भी देखा आपने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, और मैं 5 साल से महिला संयोजिका और 3 साल सचिव के पद पर रह चुकी हूँ, इस वर्ष मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, और ये कार्यक्रम मैं जितने ही उल्लास के साथ मैंने करवाती हूँ उसी
परंपरा के अनुसार मैं इसमें सबसे अनुरोध करके मैंने इस प्रोग्राम को कुछ नया मोटिवेशन करा है, और आप सब खुद देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से सभी, और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। जिस तरह से महिलाएं काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं, जब प्रिपरेशन शुरू की थी और आज जब एग्जीक्यूट हो गया है तो कैसा लग रहा है कि वो जो कार्य था आज सफल हो रहा है? जब मेहनत करते हैं और उसका हम रेस्पॉन्स देख रहे हैं और आप खुद भी देख रही हैं, तो देखिए चेहरे की, आप खुद ही देखिए हमारी चमक क्या बता रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितने समय से ये तैयारियां चल रही हैं? करीब हम 15 दिन से इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हैं, और महिला संयोजिका ने बहुत मेहनत करी है और हम लोगों का सबका साथ लेकर के बहुत बढ़िया काम। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोशनी सोसाइटी के अध्यक्षा शिवानी पाल जी। मैम, जिस तरह से आज भारत विकास परिषद की ओर से तीज महोत्सव आयोजित किया, आपने खुद यहाँ पे शिरकत की है, कई कार्यक्रम हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, गेम्स भी बहुत सारे थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और रैंप वॉक भी हुआ है, डांस के प्रोग्राम्स हुए हैं, सिंगिंग और पोएम रिसाइटेशन भी किया है काफ़ी लोगों ने, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं भारत विकास परिषद की मेंबर भी हूँ, तो काफ़ी दिनों से इसकी प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी और ऑर्गेनाइज़र ने काफ़ी अच्छे से मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आगे लेकर गए हैं, बहुत मेहनत, उनकी मेहनत दिखी है यहाँ पर। मैम, जिस तरह से आप खुद एक उदाहरण है महिलाओं के लिए, आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर में हैं और इन महिलाओं से किस तरह से वो प्रेरित हों? देखिए, ये है कि आज इस जिस स्टेज में हम हैं, हमारे अब बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं या बाहर जा पढ़ने जा चुके हैं, या मतलब बच्चों की जिम्मेदारी तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अब थोड़ा बहुत हम अपने आप को फ्री समझ सकते हैं, तो हमें आना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स में, आगे आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स में हमें अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो इस वक्त ऐसा मौजूद है पूरे कार्यक्रम में थर्ड रनअप की खिताब पाने वाली मिसेस करुणा पाल। मैम, जिस तरह से थर्ड का किताब आपको मिला है, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आपने देखा कि सभी लेडीज़ ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया है, तो हमने भी इसी तरह के इसी से हमने पार्टिसिपेट करा था यहाँ इस प्रोग्राम में कि हम लोग भी आकर आगे आके प्रोग्राम में हिस्सेदारी करें। जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रही हैं, किस तरह देख रही है कि महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है, महिलाएं आगे आके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं? देखिए, पहले महिला जो बिल्कुल घर में रहती थी, आज महिलाएं अपने लिए भी जी रही हैं, बाहर निकल रही हैं, अपने लिए भी क्वालिटी टाइम निकाल रही है कि वो उनका अपना टाइम होता है यहाँ आके। अब ये देखिए ना, इनको अपने घर की अपनी फैमिली की कभी कोई टेंशन नहीं है, ये 2-3 घंटे जो यहाँ हम लोग स्पेंड कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे और हमारे हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अपर्णा आनंद नेगी। मैम, जिस तरह से फर्स्ट रनर अप का खिताब आपको मिला है, सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और रनर अप का खिताब जीतने से ज़्यादा इस बात से खुशी हो रही है कि वो कंपटीशन अपने आप में जो था बहुत हेल्दी था, और वी ऑल एंजॉयड दिस होल प्रोसेस, तो कंपटीशन को बहुत एंजॉय किया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मैम, जिस तरह से महिलाएं जो है वो निकल के बाहर आ रही हैं, आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी खुश हैं यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम से, तो ऐसे कार्यक्रम आप क्या सोचते हैं कितने होने चाहिए महिलाओं के लिए और कितने ज़रूरी हैं? ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं और बहुत रेगुलरली होने चाहिए, क्योंकि आपने अगर देखा होगा ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था महिलाओं द्वारा, तो महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन था, महिलाओं का पार्टिसिपेशन था, और महिलाओं ने, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि एक दूसरे से प्रतिद्वंदी की तरह, बल्कि बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ इनकरेज एक दूसरे को करते हुए पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया है, और ऐसे प्रोग्राम जितने ज़्यादा आयोजित होंगे महिलाएं आपस में मिले जुलेंगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्ते, आपका नाम? सोनिया। मैम, जिस तरह से आज आपने तीज महोत्सव में शिरकत करी है, बहुत ही सुंदर परिधान में आज आप यहाँ पे पहुंची हुई है, क्या कहेंगे सबसे पहले बताइए किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पे? बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ यहाँ की, बट मेरी फ्रेंड शिवानी पाल मुझे यहाँ लेके आई है कि तुम देखो और समझो कि कैसे प्रोग्राम होता है, बट बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई एम सो हैप्पी टू अटेंड दिस प्रोग्राम, और लेडीज़ ने काफ़ी मेहनत की है और मैं आगे भी आना चाहूँगी इस प्रोग्राम। जिस तरह से आज आपने यहाँ पे खुद शिरकत की, महिलाएं बढ़ चढ़ कर भागीदारी कर रही हैं, महिलाओं के लिए किस तरह का ये जो महिलाएं हैं वो एग्जांपल सेट कर रही हैं, क्या कहेंगे?
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि हमारा घर से बाहर कोई दुनिया नहीं है, बट उनके बिना बाहर कोई दुनिया नहीं है, उनकी दुनिया बाहर भी है और घर पे भी है, उनके बिना दुनिया हो ही नहीं सकती। तो उन्हें घर से बाहर निकल के अपनी एक दुनिया बनानी चाहिए, अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए, कुछ ऐसे गेट टुगेदर होना चाहिए, इस बहाने निकलने को और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से भारत विकास परिषद शाखा काठगोदाम की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी करी, साथ ही सुजाता माहेश्वरी के सर पर जो तीज क्वीन का ताज है वो सजा है, और साथ ही क्या कुछ पूरा कार्यक्रम हुआ ये हमने आपको दिखाया। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेएन की खास रिपोर्ट, मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी, नमस्कार।